हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम खेलने वाले हैं वन ब्लॉक। और आज हमारी एपिसोड नंबर 11। और यार बीट तोड़ दी मैंने। और गाइस, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे चांद गिरा है मेरा, मतलब चांद के सामने कुछ आ गया है। और भाई, पिछली वीडियो में जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग नेदर में गए थे, और आज हमें क्या करना है, नेदर का स्पॉन पॉइंट देख के आना है। सॉरी, हाँ, पिछली वीडियो के अंदर हमने नेदर का पोर्टल बनाया था, और आज की वीडियो के अंदर हम नेदर के अंदर अपना स्पॉन पॉइंट देख के आएंगे कि हम कहाँ पे स्पॉन हुए हैं, और फिर वहाँ से आगे हम जाएंगे अपना फोर्ट्रेस वगैरह जहाँ पे अभी हमें जाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या बनाया तुमने? व्हाट इज दिस? भाई मैं प्लान को अपग्रेड कर रहा हूं। नहीं, ये व्हाट इज दिस ब्रदर? ये यार हमारे पिछली वीडियो में, रेड वाली वीडियो में हमारा विलेजर मर गया था ना। अच्छा, आ जाओ नेदर में। चले चलो चलो। तो गाइस, अभी हमें पता चला है, हम अभी नेदर में जा रहे थे और अभी हमें पता चला है कि हम अनब्लॉक के अंदर नेदर में जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। ना ना भाई, ये तो स्पैम हो गया हमारे साथ। हमारा जो काम है वो इस ब्लॉक से ही हो जाता है जो अभी मेरे सामने है। ये ब्लॉक हमारा काम इससे ही निकल जाएगा। और अभी भाई मैंने देखा वो एंशिएंट डेब्री कैसे आया। ये भाई ना वीडियो छुड़ाने से पहले ना फारिक बैठा हुआ था, मैंने खेतों को माइन करा, इसको माइन करा, और तुमने ये काम भी करा है ना। वेरी गुड भाई, नाइस, अच्छा लग रहा है भाई, नाइस लग रहा है। अभी पता है, अभी क्रीपर फट गया था हमारे फार्म में और हमारा सारा खाम का सारा का खाना चल रहा था। अच्छा, चलो तुमने तो टैकल कर लिया ना उसको। ओ डायमंड, सोचो अगर हमारा सारा का खाना चला जाता तब तो। हाँ, अब तो नहीं गया ना। ओ भाई, वहाँ पे मुझे विलेजर भी नजर आ रहा है, विलेजर भी नजर आ रहा है। जल्दी आओ, इसके भी देखते हैं क्या क्या बेच रहा है। 45 डॉट के 2 गोल्ड दे रहा है, 1 टेराकोटा दे रहा है, गन पाउडर दे रहा है, स्टिंग, रस्टी वुल्फ। ओ भाई, रस्टी वुल्फ भी मिल रहा है भाई, 28 गोल्ड का। मैंने तो हाउस भी बनाया हुआ भाई पहले से ही हमारा। गाइस आपको पता होगा, ये घर मैंने, ये जगह अपने वुल्फ के लिए बनाई थी, और फाइनली वुल्फ आ चुका है। और हमारे पास इनफ गोल्ड भी हैं भाई, इनफ गोल्ड भी हैं। तो अभी फिलहाल तो एक ही आ पाएगा, अगर करना है तो एक और वो ले आओ, हमारी डर्ट ले आओ बहुत सारी, उससे तुम्हारा भी वुल्फ आ जाएगा। हाँ, उससे भी तुम्हारा भी वुल्फ आ जाएगा। लाता हूँ, मिलाता हूँ, जल्दी लेकर आओ। और भाई ये नहीं, मेरे पास तो 64 डर्ट पड़ी है। 64 नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। और भी चेस देखो अपने, रुको मैं बताता हूँ कितनी चाहिए। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ कितनी चाहिए। 45 के 2 गोल्ड आ रहे हैं, बताओ कितने चाहिए होंगे 28 करने के लिए। 5-6 स्टैक ले आओ, 5-6 स्टैक ले आओ। तो गाइस मैंने 38 गोल्ड अपने चेस पे से निकाल लिए। और कहाँ भाई, आ गए तुम्हारे पे वो? हाँ भाई, आ रहा हूँ, ठंडे से भागता आ रहा हूँ, जल्दी फटाफट। और ये मैं आ गया हूं। दिखाओ तुम्हारे पास कितने गोल्ड है। देखो ये 28 का एक दे रहा है, पहले मैं एक खरीद लेता हूँ, फिर तुम्हारा हिसाब करते हैं ना। अभी साइड में हो, पहले मुझे तो खरीदने देते। 6 गोल्ड लिए मैंने, मैं जा रहा हूँ, तुम अब खरीदते रहो। तुमने वो खरीद लिया क्या, रस्टी वुल्फ? नहीं, मुझे रॉ गोल्ड मिला है, मुझे रॉ गोल्ड मिला है। मैंने रस्टी वुल्फ खरीद लिया, मैंने भी खरीदता हूँ। ये तो मेरे पास 10 गोल्ड बच गए, तुम्हारा अगर काम चले तो ये लो, मुझसे ले लो, डायरेक्ट खरीद लो। अब तो तुम्हारे पास आ गए होंगे ना, मैं विदर समन कर सकता हूँ। नहीं भाई, नहीं, विदर नहीं चाहिए। खरीद लिया वो भी। और भाई ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑर्डर द ट्रेडर विल अराइव विद द मॉब नेक्स्ट टाइम दे विजिट। मतलब देखो, अगर एक और ट्रेडर आएगा ना, तो वो हमारा मॉब लेकर आएगा, तो अब हमें दोबारा से वो करने पड़ेगी थोड़ी सी माइनिंग, ताकि एक और विलेजर आए और फिर हमारा वुल्फ भी आएगा उसके साथ। ठीक है, तुम माइनिंग करो, तब तक मैं खाना, मतलब खाने की रिस्टोरेशन कर रहा हूँ। खाना बहुत है भाई, खाने का मसला नहीं है, खाना बहुत है, आ जाओ माइनिंग करते हैं भाई। तो अगर पहले की जगह क्रीपर फट गया तो? नहीं 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 फटेगा, तुम जल्दी आओ माइनिंग करो। चलो तुम करो, मैं थोड़ी देर में आया। A few minutes later. ओए ओए ओए, वहाँ पे कौन आ गया, बकरियों को कौन मार रहा है? ओए वुल्फ आ गया हमाइल। ओ भाई गलती हो गई हमाइल। यार वुल्फ आए तो उन्होंने सारी बकरियां मार दी, अब क्या करें? रुक जाओ, मैं नीचे गिर गया था। अजीब मसले हैं यार इन लोगों के, तुम क्या पागल वागल हो क्या? ये नमूना आया, इसकी वजह से हुआ है ये। ओ गाय बेच रहा है, ओ भाई साहब गाय, नाइस है भाई हमारे। देखो ये विलेजर गाय बेच रहा है, इसने हम, इसकी वजह से हमारी बकरियां तो सारी मर गई। नहीं, इसको नहीं मानना भाई, इसका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने वुल्फ की ऑर्डर किए भाई, हमारी बकरियां तो। नहीं नहीं भाई, टेम करेंगे ना, मेरे पास हड्डियाँ बहुत है। ये देखो हमारे मॉब फार्म के अंदर आओ, ऐसी थोड़ी ना ये मॉब फार्म बना है, 60 बोन पड़ी है यहाँ पे। अभी टेम हो जाएगा 2 मिनट में। ये लो, ये वाला मेरा हो गया, ये है मेरा वुल्फ, मैं इसको अपनी इसकी जगह पे बिठाता हूँ। बेस्ट फ्रेंड्स, एडवांसमेंट भी खुल चुकी है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? आ गया आ गया आ गया। वो मुझे क्यों मार रहा है ये, क्या पागल है क्या ये? यार ये मुझे क्यों मार रहा है? तो
होती है, दोनों को आपस में लड़ ले। अबे यार तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे मारा था। अबे मैंने नहीं मारा तुम्हें, और ये क्या हो रहा है? और ये तुम मुझे को मार रहे? मार दो यार इन दोनों को। तो गाइस इसी के साथ वुल्फ भी हमारे हाथ से चले गए हमारी की वजह से, और अब हम क्या करें बताओ। बकरियां भी चली गई, वुल्फ भी चली गई, गोल्ड भी चले गए, फायदा क्या हुआ? फायदा सारा नुकसान करवाया आज तुमने इनकी वजह से। अब तुम्हारे पास पेनल्टी है, तुम अपने ना अपने चेस्ट से सारा तिजोरी से ना सारा वो निकाल के लाओ, गोल्ड और चिकन खरीदो जो तुम्हारे छुपा के जो तुमने रखा हुआ है ना सारा, उससे तिजोरी को सही है, उससे चिकन खरीदा जल्दी से, क्योंकि ये विलेजर चिकन भी बेच रहा है। अब से हम चिकन खाएंगे, जब तक मैं इंचांटमेंट टेबल बनाता हूँ। इंचांटमेंट टेबल के लिए मुझे 7 डायमंड में से 2 चाहिए, और ऑब्जीडियन है हमारे पास, ऑब्जीडियन है क्या? एक तो यहाँ रखा हुआ है। कितने चाहिए होते हैं इसके लिए इंचांटमेंट टेबल के लिए? हाँ भाई मैंने चिकन खरीद ली, लेकिन अभी चिकन आई नहीं अभी तक। भाई जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास वो आएगा ना विलेजर, तो आएगी जल्दी से माइनिंग करो। और लकीली गाइस मुझे ऑब्जीडियन में मिल चुका है हमारे चेस्ट से, तो अभी मैं जल्दी से फटाफट से एन्चेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ। अच्छा तो भाई ये लो। क्या लो? ये क्या फालतू चीज़ें खरीद के ला रहे हो तुम? ये है क्या? पिंक पेटल्स, ये होता क्या है मुझे आज तक नहीं पता। ये हम अपने घर के बाहर लगाए डेकोरेशन, वाओ नाइस लग रहा है भाई। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। वाओ भाई ब्यूटीफुल, ज्यादा लगाओ ना थोड़े, एक नोक पे 3 या 4 लगते हैं। नहीं नहीं एक ही लग रहा है। ओ भाई ज्यादा भी लग रहे हैं, मतलब फिर मैं क्या कंजूसी क्यों कर रहा हूँ? इतने भी नहीं लगाने यार, तुम तो शुरू ही हो गए। अब जल्दी से बताओ किताब कैसे बनाए भाई? किताब हमें यार अब हमारे पास शुगर केन और पेपर रखा हुआ होगा यार। चलो मैं चेक करके बताता हूँ। देखो जल्दी जल्दी चेक करो। हमने भाई हाँ हाँ क्या हुआ भाई? मेरे चेस्ट में पड़ा हुआ थोड़ा सा ही पड़ा हुआ, लेकिन जल्दी जल्दी। ओ भाई एंशिएंट डेब्री को रुको, एंशिएंट डेब्री तोड़ना तो फिर उसके बाद, अभी बहुत अहम काम हो रहा है। एंशिएंट डेब्री कैसे मिलता है? ओ मेरे पास है, ये लो भाई एंशिएंट डेब्री। मेरी इन्वेंटरी फुल हो गई यार, क्या मुसीबतें हैं। रुको एंशिएंट डेब्री दो, ये लो ये लो ये मैं इन्वेंटरी खाली करके आया। ये लो लेदर भी लो, लेदर भी लाओ। देखो हमने भाई ये रोटन फ्लाइन कॉटन फ्लैश तो कानों की है। हाँ इससे अपना मेहनत मिले जाएंगे, सामान खरीद के जाएंगे। हाँ ये बात है। ये समझ में नहीं आ रहा 2 रॉ चिकन और 2 फेदर क्यों मिले हैं मुझे? ये मुझे क्या पता, पूरी पता, ये तो हमें ये पता होना चाहिए ना, हमें पूरी पता। अबे यार अभी भी नहीं बन पा रही, अब क्या चाहिए मुझे? स्लाइम बॉल मिल गई। अच्छा बुक चाहिए, स्लाइम बॉल कहाँ से भाई? इसमें से। ओ भाई नाइस, और मेरी एन्चेंटमेंट टेबल भी बन चुकी है भाई। ये इसको तोड़ के ना यहाँ पे एक आइलैंड बना देते हैं, यहाँ पे हम एन्चेंटमेंट करेंगे। सही है, और भाई वहाँ पे एनवी भी लगा देना, क्योंकि मेरे पास बर्ग के बो हैं, सबको मिक्स कर दूंगा। हाँ सही है, मेरे पास भी बहुत बो हैं। तुम जाओ एनवी एनवी बना के लाओ। हमने भाई लेकिन यार एक मसला है हमारे पास, तो वही नहीं है अब ना। क्या होता है यार वो जो इसके हम सराउंडिंग में लगाते हैं एन्चेंटमेंट टेबल के, बुकशेल्फ। हाँ बुकशेल्फ, उसके लिए एन सिटी जाना पड़ेगा। हैं हाँ ना यार, एक काम करो फिर, हटो मैं कैसी लगा मैं लैपिस लेके आया था, चेक करता है एन्चेंटमेंट कैसी आ रही है बगैर बुकशेल्फ के। वो भाई नया विलेजर आ गया और चिकन भी आई है तुम्हारी उसके साथ। फिर एक ही चिकन खरीदी क्या तुमने? नहीं मैंने तो 2-3 खरीदी थी। हाँ बस 2 ही लाया, वो कैट मिल लिया और दोबारा से चिकन मिल लिया। ये चिकन को वहाँ कैसे लेके आऊँ? जल्दी से वो दो यार सीड्स। क्या सीड्स? चेस्ट में चेक कर लो। सही है मिल गए वाले। मिल गए, आओ 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 चिकन चिकन जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई मेरे पास लीड भी है। नहीं नहीं लीड नहीं चाहिए, अभी हो रहा है काम, आ रही हैं दोनों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक ये भाई एक चली गई, एक एक चिकन गायब हो गई। आ गई आ गई आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और भाई इसी के साथ मैंने दोनों चिकन अंदर आ गई हैं, अब मैं यहाँ पे फेंस दोबारा लगा देता हूँ, और मैं इन चिकन्स को इनके फीड भी दे देता हूँ। ये लो भाई खा लो, मज़े करो भाई मज़े करो। और ये विलेजर फालतू है, और क्या कर रहे हो ये जादू जगह, क्या बना रहे हो ये? देखो हटो हटो जादू होगा, यहाँ पे काम करो, एक और चेस्ट लगा दो ना। देखो देखो जादू हो रहा, जादू जादू।
ओ भाई ये किस चीज का जादू हो रहा है ये भाई, से 4 मिनट जल्दी होगी यार। बुकशेल्फ कैसे बनाए, अभी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है, बुकशेल्फ कैसे बनाए। देखो देखो, अगर हमें 4 मिनट टेबल के बराबर में टॉर्च लगाते हैं ना, हां तो कम वो देना, फिर कम एक्सपी ले देती है। अच्छा फिर मैं लैपिस लेके आऊं क्या? हां चले जाओ, मैं ला रहा हूं लैपिस, जरा चेक करते हैं क्या एन्चेंटमेंट दे रही है ये। मेरे पास है लैपिस, मैं ले आया। शार्पनेस 1 दे रही है, कर लूं क्या? कर लो या तो अपनी एक्सपी ले लो। शार्पनेस 1 कर ली मैंने, और मैं जरा सा ये बॉल ले लो, मैंने उसे सही करी है। रुको यार मुझे थोड़ी सी एक्सपी लेने दो। तो बहुत ही ले लो यार, मेरी एक्सपी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी मैं मरा हूं ना तो इससे खत्म हो गई। रुको मैं थोड़ी सी गेन कर लेता हूं। बुकशेल्फ नहीं ना यार, इसलिए नहीं मिली, मैं अभी जाया नहीं करता। मैंने अपनी शॉट तो जाया कर दी है, लेकिन मैं अपनी बहुत जाया नहीं करूंगा भाई। यार मैं इधर शुगर केन लगा रहा हूं, सही है, क्योंकि आई नीड शुगर केन भाई। मैंने शुगर केन का फार्म बना दिया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किताबें बनाएंगे और अपना ये आइलैंड कंप्लीट करेंगे, एन्चेंटमेंट वाला। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हमने इस वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं करा, लेकिन हमारे एक्सपी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, क्योंकि हमने मॉब फार्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके रखी है। थोड़ी सी डेकोरेशन यहाँ पे कर ली, बेबान आने की सोचना भी नहीं, थोड़ी सी डेकोरेशन यहाँ पे कर ली, और हमने अपने डॉग्स ऑर्डर करे थे, लेकिन हमारे डॉग्स के बदले हमारी शीप भी चली गई और हमारी शीप भी चली गई, और बहुत ज़्यादा नुकसान आज हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।